बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिका के हवाले से, स्ट्रिंग पैटर्न एंड टेम्पलेट्स। स्ट्रिंग्स के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, आज हम उसके कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स की बात करेंगे, कुछ खास पैटर्न्स। मसलन हमारे पास सबसे पहले इन अ स्ट्रिंग पैटर्न यू कैन कंबाइन पैटर्न्स कंस्ट्रक्ट्स लाइक विद, ये सिंबल आपको याद है, विद स्ट्रिंग्स लाइक ए बी सी यूजिंग ये वाले सिंबल। अब इसका मतलब ये है कि आप सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं, इन सिंबल्स के थ्रू अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं उनको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फॉर्मेशन बना सकते हैं। मसलन स्ट्रिंग केस। अब ये स्ट्रिंग पैटर्न्स आर क्वाइट इजी, स्ट्रिंग पैटर्न्स आर क्वाइट इजी। अब इसमें से हम इसके केसेस उठा रहे हैं, कौन से वाले केसेस वाला, ये देखें प्लस वाले, कौन से केसेस हमने उठाए, प्लस वाले, और उन्हें किया क्या है, उन्हें हमने ये स्ट्रिंग पैटर्न जो है इनके थ्रू अलग किया। अब अगर आप देखें ध्यान से तो स्ट्रिंग केसेस प्लस 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 एंड प्लस, तो आपका आउटपुट अगर आप देखें तो प्लस एस प्लस बी प्लस क्यू प्लस, यानी कि आपके जो पॉजिटिव वाले करेक्टर्स हैं प्लस वाले हैं उनको उसने उठा लिया है और हर एक के साथ एक एक करेक्टर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें स्ट्रिंग केस प्लस स्ट्रिंग प्लस पैटर्न आर प्लस क्वाइट प्लस इजी, सेम स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग का अगर आपको याद है तो ये इन्वर्टेड कॉमाज आपको याद होंगे कि इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आप जो है वो स्ट्रिंग लिखते हैं। अब इसमें देखिए वही प्लस, लेकिन अब उसने वन टू एंड थ्री, अब उसने वहां पे क्या किया है कि पैटर्न्स को कंबाइन किया है तीन दफा, तो हमारे पास क्या होगा कि हर प्लस साइन के साथ तीन तीन करेक्टर्स आपके पास थे। जब आपने सिंगल एक दफा ये सिंबल यूज किया था तो एक करेक्टर, दो दफा ये सिंबल यूज करने का मतलब है दो करेक्टर, और तीन दफा ये सिंबल यूज करने का मतलब है कि तीन करेक्टर। ये जितनी दफा आप सिंबल रिपीट करते जाएंगे उतनी दफा ये करेक्टर रिपीट होते जाएंगे। मसलन यूज द नेम एक्स फॉर द करेक्टर आफ्टर ईच पॉजिटिव एंड रिटर्न दैट करेक्टर प्रे। मसलन स्ट्रिंग केस हमने यूज किया, ये देखें सर ये स्ट्रिंग्स बना ली हमने, जो पहले हमने बात किया हमारी सेम स्ट्रिंग चल रही है प्लस। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये फॉर्मेशन विद एक्स, यानी कि जो हमने पहले पिक किया है ना फॉर्मेट कंस्ट्रक्टर के तौर पर, उसको हमने एक्स के साथ और एक्स को कर दिया फ्रेम। इसका मतलब क्या है कि जो चीजें ये पिक करेगा उन्हें फ्रेम कर देना, उन्हें वेरिएबल एक्स में रख के उन्हें फ्रेम कर देना। तो ये देखिए जो चीजें उसने पिक की हैं उन्हें उसने क्या कर दिया, उन्हें उसने फ्रेम कर दिया। तो ये हमारे पास सिंपल मेथड था टेम्पलेट्स का। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें इन अ स्ट्रिंग पैटर्न, ये जो सिंबल है स्टैंड फॉर सिंगल करेक्टर, अगर हम डबल सिंबल यूज करेंगे तो डबल ब्लैंक स्टैंड फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ वन और मोर करेक्टर। अब तीन हम ये ब्लैंक यूज करेंगे या तीन साइन यूज करेंगे तो ट्रिपल ब्लैंक स्टैंड फॉर
एनी सीक्वेंस ऑफ जीरो और मोर करेक्ट, यानी कि टू का मतलब डबल, थ्री का मतलब ट्रिपल, जीरो और मोर करेक्ट. ये टू एंड थ्री विल नॉर्मली ग्रैब एज मच ऑफ द स्ट्रिंग एज दे कैन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यूज को ये पिक कर सकते हैं. पिक आउट द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बिटवीन एंड. अब ये हम देखते हैं स्ट्रिंग केस, द इम्पॉर्टेंट वर्ड. अब ये देखो कि अगेन ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही है, एक स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग. दूसरी स्ट्रिंग के अंदर उसने क्या किया, वो पिक करने के लिए जो हम किसी करेक्टर को यूज करते थे एक्स अंडरस्कोर या एक्स सिंगल ब्लैंक, वो यूज कर लिया और उसको फ्रेम कर दिया. तो इसमें से देखें उसने आपकी स्ट्रिंग में से पिक कर लिया इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पे देखें ना, आपने उसे बताया हुआ है कि स्ट्रिंग में से आपने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान वैल्यूज हैं वो पिक कर, तो ये आपके फॉर्मेशन को उसने चेंज किया. अगेन नेक्स्ट देखें, नॉर्मली मैचेस आर लॉन्ग अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एज इट कैन, यानी कि मैच करता है उतने सीक्वेंसेस को जितने वो कर सकता है कोई स्ट्रिंग के. नाउ सेवरल इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अब इसके अंदर देखें सेवरल और वर्ड्स ये अलग चीज है, यानी कि दो स्क्वायर ब्रैकेट्स आगे हो गए. अब इसके दरमियान क्या है, इंपॉर्टेंट. उसने क्या किया है, ये कंस्ट्रक्टर लगा के उसे फ्रेम किया. तो आपके पास क्या वैल्यूज आई हुई है, सेवरल इंपॉर्टेंट वर्ड्स. तो यहाँ पे जितनी मैक्सिमम वैल्यूज वो पिक कर सकता था उसने वो सारी वैल्यूज पिक की. उसके बाद शॉर्टेड फोर्सेस द शॉर्टेस्ट मैच, अब वो शॉर्टेस्ट की बात कर रहा है. स्ट्रिंग केस, नाउ सेवरल इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अब शॉर्टेस्ट उसने यहाँ पे पिक किया हुआ है और उसको फ्रेम किया हुआ. तो आपके पास उसने यहाँ पर इम्पोर्टेंट को उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, सेवरल वर्ड्स को सिलेक्ट किया हुआ है. तो एक नज़र आप दोबारा इस कमांड को देखिएगा, उसके बाद हम अगर नेक्स्ट कमांड पे मूव करें तो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग केस. अब ये कमांड हमारी चेंज होती है, स्ट्रिंग केसेस पिक्स आउट केसेस ऑफ पर्टिकुलर पैटर्न. हमने भी यूज कर रहे थे लास्ट कमांड में अपनी, आप अगर ख्याल से देखें तो ये देखें आप स्ट्रिंग केस की कमांड हमने यूज की. तो स्ट्रिंग केस क्या करता था कि वो पार्टिकुलर पैटर्न किसी भी स्ट्रिंग के अंदर पिक करता था और वो पैटर्न हम डिसाइड करते थे. आपको याद है कि हम वहां पे एक्स वेरिएबल लेके उसको यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा हम चीजों को चेंज करेंगे. अब हम स्ट्रिंग रिप्लेस को यूज करेंगे जो कि रिप्लेसमेंट के लिए यूज होता है. देखें नाउ सेवरल इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और अब हमने क्या चेंजिंग की, ये देखें हमने बताया कि आपने ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यूज कर रहे हैं. तो आप देखें जहां जिन जो हमारे ब्रैकेट्स के अंदर वर्ड्स थे उनके साथ उसने ये रिप्लेसमेंट्स कर दिए, यानी कि जो ब्रैकेट वाले थे हमने ये फॉलोड बाय या एरो का साइन यूज किया था. तो ये हमारे पास नाउ सेवरल भी सिम्बॉलिक हो गया और वर्ड भी सिम्बॉलिक हो गया जो हमारे पास पहले क्या थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में. उसके बाद मेक रिप्लेसमेंट फॉर पैटर्न्स यूजिंग ये सिंबल आप देख लें एरो का, फुल कॉलन प्लस एरो टू कंप्लीट टू कंप्यूट टू अपर केस इन ईच केस, यानी कि स्ट्रिंग रिप्लेस हम कर रहे हैं नाउ सेवरल इंपॉर्टेंट वर्ड्स को शॉर्टेस्ट एक्स लेके और उसके बाद टू अपर केस. तो ये देखें ये सेवरल और वर्ड्स इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया अपर केस. ये रिप्लेसमेंट्स हो रही है किनके लिए,
जिनको हमने अलग से स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ वैल्यूज को, यानी कि जब हम जिन्हें हमने एक स्ट्रिंग के अंदर आर्गुमेंटल तरीके से प्लेस किया होगा। स्ट्रिंग आपको पता है कि सिंपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, लेकिन अब यहाँ पे हमने उसके ऊपर एक एक्सेप्शन लगाई हुई है कि हमने उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स को दोबारा यूज किया होगा। यूज नेक्स्ट लिस्ट, अब ये नई लिस्ट आ गई है। टू अप्लाई अ स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट रिपीटेड, मसलन रिपीट करने के लिए किसी चीज को, लेफ्ट लिस्ट स्ट्रिंग रिप्लेस नंबर ए को ए बी के साथ, बी को बी ए के साथ, और कितनी दफा, फाइव। ये देखें, ए को ए बी के साथ, फिर ए ए बी आ गया, अब उसको किस में कन्वर्ट करना है, बी ए के साथ। ये देखें ए बी बी ए, अब इस सारे को अगेन क्या करना है, ए बी बी ए में फिर बी ए ए बी। तो ये इस तरह से क्या हो गया कि मल्टीपल टाइम आपने उसके अंदर रिप्लेसमेंट से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद स्ट्रिंग मैच क्यू, टेस्ट वेदर अ स्ट्रिंग मैच का पैटर्न, कोई भी आप पैटर्न है उसके साथ स्ट्रिंग आपकी मैच करती है या नहीं करती। कॉमन वर्ड्स दैट मैच द पैटर्न बिगिनिंग विद ए एंड एंड विद बी, अब वो कॉमन वर्ड्स ले रहा है जो ए से स्टार्ट होके बी पे होते हैं। सेलेक्ट वर्ड लिस्ट स्ट्रिंग मैच क्यू, मैच करने के लिए नंबर ए से स्टार्ट होके बी तक, तो ये आपके पास देखें ए से स्टार्ट होके बी पे होने वाले उसमें कॉमन वर्ड्स आपको शो करवा दिए, तो ये आपके स्ट्रिंग पैटर्न्स में इंक्लूड हो गए। उसके बाद देखें, अब ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें आपको जो चीज सबसे ज्यादा समझने वाली है वो उसके सिंबॉलिक चेंज है। आप देखेंगे हर दफा हमारे पास माइनर से सिंबॉलिक चेंज होता है, कुछ सिंबल चेंज होते हैं। यू कैन यूज, अब ये देखें ये स्लैश की जगह पे आपके पास बार आ गया, एंड डबल डॉट इन स्ट्रिंग पैटर्न जस्ट लाइक इन ऑर्डिनरी पैटर्न। अब देखें स्ट्रिंग केस द डबल ए एंड द ट्रिपल बी एंड ए बी, और ये देखें ये उसने डबल स्लैश, तो ये आपके सामने। इन अ स्ट्रिंग पैटर्न लेटर कैरेक्टर स्टैंड्स फॉर एनी लेटर कैरेक्टर, डिजिट कैरेक्टर फॉर एनी डिजिट कैरेक्टर, एंड वाइट स्पेस फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ वाइट कैरेक्टर सच एज स्पेसेस। अब दोबारा से, डिजिट कैरेक्टर्स का मतलब है डिजिट्स के लिए, न्यूमेरिक नंबर्स के लिए। लेटर कैरेक्टर का मतलब है अल्फाबेट्स के लिए, ए बी सी डी के लिए, और वाइट कैरेक्टर्स का मतलब है स्पेस के लिए। तो ये देखिए स्ट्रिंग के 12 एंड 1 2 3 एंड 4 5 6 7। अब ये देखें एक स्ट्रिंग के अंदर उसने डिजिट्स भी दिए हैं, उसके अंदर उसने कैरेक्टर्स भी दिए हैं और स्पेसेस भी दिए हैं। अब यहाँ पे उसने डिजिट कैरेक्टर उसमें से चूज किया हुआ, तो आपके सामने डिजिट्स आ गए। आप यहाँ से अगर लेटर कैरेक्टर्स देंगे तो आपके पास एंड 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 ये चीजें आ जाएंगी। अगर आप वाइट जो स्पेसेस हैं वो देंगे तो आपके पास इसके अंदर नंबर ऑफ ब्लैंक्स, कितनी दफा आपने स्पेस को यूज किया है, वो चीज जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी। इसी तरह पिक आउट सीक्वेंसेस ऑफ डिजिट कैरेक्टर्स फ्लैंक बाय वाइट स्पेसेस, तो ये देखें स्ट्रिंग केसेस 1 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 5 6 7 वाइट स्पेस डिजिट कैरेक्टर वाइट स्पेस। अब उसने क्या किया है, उसने वाइट स्पेस पहले ली, तो इसका मतलब है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक डिजिट कैरेक्टर और अगेन वाइट स्पेस। इट इज कॉमन इन प्रैक्टिस टू वांट टू गो बैक एंड फोर्थ बिटवीन स्ट्रिंग एंड लिस्ट। यू कैन सेपरेट अ स्ट्रिंग इनटू लिस्ट ऑफ पीसेस, मसलन स्ट्रिंग को सेपरेट हमने किया तो वो देखें ए अलग हो गया, स्ट्रिंग अलग हो गया, यानी कि जो स्ट्रिंग हमने ऊपर बनाई है उसको हमने सेपरेट कर दिया मल्टीपल पार्ट्स के अंदर। उसके बाद दिस यूजेज अ स्ट्रिंग पैटर्न टू डिसाइड वेयर टू सप्लीमेंट। देखो ये जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ वहाँ पे उसने आपको सप्लीट कर दिया। उसके बाद सप्लीट आ न्यू लाइन्स, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन फ्लैश एंड, ये देखो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, उसको उसने क्या किया अलग अलग
आपके सामने शो करवा दिया। ये वाले जो कमांड है बैक स्लैश एन, ये नॉर्मली आपके लिए यूज होती थी नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, जब आप एक लाइन से दूसरी लाइन में मूव करते हैं ना, उसके लिए आपके पास ये कमांड यूज होती है। उसके बाद ज्वाइन स्ट्रिंग, ये आप देखें ए एक अलग स्ट्रिंग बनाई हुई है, स्ट्रिंग की सिंपल निशानी है कि वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये तीसरी स्ट्रिंग है, ये चौथी स्ट्रिंग है, उसने मल्टीपल स्ट्रिंग बनाई हुई है और फिर उन सारियों को ज्वाइन किया हुआ है इन लाइन से। तो ये देखें वो सारी स्ट्रिंग जो है वो ज्वाइन हो गई। उसके बाद इन असेंबलिंग स्ट्रिंग, वन ऑफन वांट्स टू टर्न आर्बिट्रेरी वर्ड फ्रॉम लैंग्वेज एक्सप्रेशन इनटू स्ट्रिंग, किसी भी एक्सप्रेशन को आप स्ट्रिंग अगर बनाने में इंटरेस्टेड हो तो टेक्स्ट स्ट्रिंग टर्न नंबर एंड अदर वर्ड फ्रॉम लैंग्वेज एक्सप्रेशन इनटू स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग ज्वाइन, ये हमारे पास टू द स्ट्रिंग 15 इज टेक्स्ट स्ट्रिंग टू रेज पावर 15, ये देखो अब उसको ज्वाइन कर दिया, 2 टू द 50 इज 2 रेज पावर 50 का आंसर आ गया। तो इसने क्या किया आपकी सारी की सारी स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर दिया जो आपने इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद अगेन आपके पास हम टेम्पलेट्स की बात करते हैं, टेम्पलेट ईच, ये आपके पास एक स्पेशल कैरेक्टर सिंबल यूज हो रहा है, इज अ स्लॉट फॉर अ सक्सेसिव आर्गुमेंट, मतलब स्ट्रिंग टेम्पलेट पफ देन 100 to 200, तो ये देखिए पफ देन पफ 100 देन 200। उसके बाद नेम स्लॉट पिक एलिमेंट्स फ्रॉम एन एसोसिएशन, एसोसिएशन का हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ये हमारे पास कोई भी एसोसिएशन है उसमें से उसने पिक किया हुआ है, फर्स्ट ए सेकेंड बी फर्स्ट अगेन फर्स्ट ए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास क्या है इवेल्युएट द, ये आपके सामने एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, व्हेन द टेम्पलेट इज अप्लाइड नो आर्गुमेंट्स आर नीडेड, ये देखिए ये अब वहाँ पे पहले हमने साथ के साथ आर्गुमेंट्स बताए थे, 2 to the 50 इज 2 raised to the power 50, तो यहाँ पे देखिए उसने डायरेक्टली उसको कैलकुलेट करके आपके सामने शो कर दिया, यानी कि ये अब ये कह रहे हैं कि इस कमांड का और इस कमांड का ये वाली कमांड जो थी हमने लास्ट की थी, इसका सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स चेंज है, ये वाली जो कमांड है ये वाली, इन दोनों का सिंटैक्स चेंज है, बाकी पर्पस जो कमांड का है या जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो सेम है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। उसके बाद ये अगेन वही चीज आ गई है कि हमने अब चीजों उसी कमांड को जो है वो थोड़ा सा चेंज करके देखना शुरू कर दिया। उसके बाद ये आपके पास आज के हमारे जो लेक्चर है उसकी टेबल में, टेबल फॉर्म में हमने देखी हुई चीजें, ये हमारे पास पैटर्न वन है, पैटर्न टू है, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग पैटर्न, उसके बाद शॉर्टेस्ट पैटर्न है, शॉर्टेस्ट सीक्वेंस दैट मैचेस, उसके बाद स्ट्रिंग केस है स्ट्रिंग पैटर्न के लिए, स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट है जो स्ट्रिंग पैटर्न को वैल्यू के साथ रिप्लेस करती है, स्ट्रिंग मैच क्यू है जो कि टेस्ट वेदर है स्ट्रिंग मैचेज अ पैटर्न, उसके बाद लेटर करेक्टर है जो लेटर मैचिंग के लिए, डिजिट करेक्टर है डिजिट के लिए, वाइट स्पेस फ्री स्पेसिस के लिए, उसके बाद ये स्लैश एन है बैक स्लैश एन है, इसको हमने यूज किया था कि न्यू लाइन करेक्टर के लिए, नॉर्मली अब ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग सबलिट, स्ट्रिंग को हम सबलिट कर देते थे पीसेज में, स्ट्रिंग ज्वाइन हम मल्टीपल स्ट्रिंग उसको ज्वाइन कर देते थे, स्ट्रिंग राइफल हम स्ट्रिंग को ज्वाइन करते थे उनके दरमियान में कोई चीज़ इंसर्ट कर। उसके बाद टेक्स्ट स्ट्रिंग, टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, मेक अ टेक्स्ट स्ट्रिंग आउट ऑफ एनीथिंग, यानी कि आप उसे कमांड देते हैं जिसमें से वो आप स्ट्रिंग ज्वाइन कर देते हैं। अब हम बात करेंगे अपने इसकी प्रोग्रामिंग के हवाले से, अपने सॉफ्टवेयर के हवाले से, तो हम देखते हैं कि हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं ये सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर हमारा किस तरह से इनको एग्जीक्यूट करेगा। हम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं,
हमारे पास जो पहली कमांड है वो कौन सी है, वो हमारे पास थी स्ट्रिंग केसेस वाली। तो हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग केसेस उसके बाद अपनी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवाया था हमने। हमने कहा था कि प्लस स्ट्रिंग प्लस पैटर्न्स प्लस सॉरी पैटर्न्स और प्लस पॉइंट प्लस प्लस पॉइंट प्लस इजी, ये हमारी स्ट्रिंग थी। और उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट इसे कमांड बताई थी कि आपका जो प्लस है इसको इसने किस तरह से कंस्ट्रक्टर्स के साथ चलाना है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर के सिंबल आ गए, सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन हो गई। और उसके बाद हमारा था अंडरस्कोर, ये शिफ्ट अंडरस्कोर, ये देखिए ये आपकी जो चेंजिंग्स थी उसके अंदर पैटर्न्स के अंदर। यू कैन कंबाइन पैटर्न कंस्ट्रक्ट्स लाइक अंडरस्कोर विद स्ट्रिंग लाइक एबीसी यूजिंग सिंबल, तो ये हमने उनको अलग कर दिया। उसके बाद हमने कहा था कि यही वाली हमारी जो कमांड है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी चेंजिंग्स क्या आती हैं। सॉरी, इसके बाद अंडरस्कोर आएगा हमारे पास, ये देखो अब हमने क्या किया था उसके अंदर तीन वैल्यूज जो हमने पिक कर ली। मैंने आपको बताया था कि सपोज एक और अंडरस्कोर करके सॉरी एक और वैल्यू के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास फोर वैल्यूज आया। ये जितने आप ये कंस्ट्रक्शन इंक्रीज करते जाएंगे उतनी वैल्यू जो है आपके पास ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। उसी तरह हमने कहा था कि नेक्स्ट कमांड हमारे पास जो थी वो स्ट्रिंग केसेस के हवाले से थी कि किसी भी स्ट्रिंग का कोई स्पेसिफिक केस जो है वो हम किस तरह से पिक करते थे। तो यही स्ट्रिंग पैटर्न्स आर क्वाइट इजी, मैं यहीं से स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ कमांड में से, क्वाइट इजी तक सेम था प्लस यहाँ पे आते हमारे पास इसके अंदर माइनर सी चेंजिंग हो गई थी। ये तो हमारी सारी कोई प्रीवियस कमांड हो गई है। और यहाँ पे हमने कहा था कि एक्स अंडरस्कोर, और अब हमने क्या कर लिया था एक्स के अंदर ये वैल्यूज जो हैं इनको एक वेरिएबल के अंदर ला के उस वेरिएबल को क्या कर लिया था, फ्रेम्ड कर लिया था, अप्लाइज टू फ्रेम्ड एक्स फ्रेम्ड। और उसके बाद एक्स एस पी क्यू डी, ये हमारे पास क्या हो गया वही वैल्यूज हमने उठाई और उनको फ्रेम कर दिया अपनी स्ट्रिंग केसेस के साथ। तो यही बात हमने की थी कि हम केसेस के साथ ये काम
कर सकते हो। उसके बाद हमने सिंगल केस के लिए किया था, डबल के लिए, ट्रिपल के लिए, तो वो आप देख लीजिएगा कमांड में किस तरह चेंज करने से आपके पास होता है। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कमांड थी वो स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट के हवाले से थी कि किसी भी स्ट्रिंग को हम रिप्लेस किस तरह से करते हैं। स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट के हवाले से अगर आप देखें तो ये देखें स्ट्रिंग रिप्लेस इज नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट। स्ट्रिंग रिप्लेस कमांड की एग्जीक्यूशन वगैरह के स्ट्रिंग रिप्लेस नाउ सेवरल इंपॉर्टेंट वर्ड्स कॉमा ब्रैकेट स्लाइव this one, जो सिम्बॉलिक चेंज हमारे पास आ गया एंड this one चलना चाहिए रिप्लेस पर मेरा रिप्लेसमेंट कमांड जो है वर्क नहीं कर रहे हमारे पास वेरीफाई कर लेते हैं स्ट्रिंग रिप्लेस कमांड टॉपिक हमारे पास था स्ट्रिंग रिप्लेस और उसके बाद हमारे पास नाउ सेवरल और इम्पोर्टेंट हमने ये इम्पोर्टेंट उसके बाद वर्ड्स को अगेन किया था वर्ड्स उसके बाद हमने कहा था कि हमारी ये स्ट्रिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमने कॉमा स्टार्ट किया था ये स्ट्रिंग की रिप्लेसमेंट के लिए और रिप्लेसमेंट के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया था इम्प्लाइज टू करने के बाद हमारे पास कॉमा उसके बाद हमारे पास कॉमा के बाद यहाँ पे अगेन लाइफ
the real world to come out, the double bracket symbol, real world to come out. ये देखो आपके पास रिप्लेसमेंट जो है वो आपको हो गई है, तो शायद कमांड के अंदर कोई चीज जो है वो मिस हो गई थी, तो आपके कंट्रोल की वजह से वो कमांड एग्जीक्यूट